अर्थव्यवस्था में जारी सुस्ती के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्सपोर्ट और हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई दर काबू में है। वित्त मंत्री ने सालाना मेगा शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की। आर्थिक सुस्ती को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच वित्त मंत्री एक महीने में तीसरी बार मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस होम बायर्स, एक्सपोर्ट और टैक्स रिफॉर्म पर है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने बताया कि छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। वहीं 25 लाख रुपए के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिग बूस्ट इन एनेबलिंग इंडियन प्रोडक्ट्स टू ओवरकम any non-tariff barriers which are most often becoming a big headache for our exporters. आर्थिक सुधारों पर जोर देते हुए वित्त मंत्रालय ने एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम लॉन्च की। नई स्कीम से सरकार पर 50 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मार्च में 4 मेगा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है। इसके साथ ही क्रेडिट आउटफ्लो की जानकारी के लिए 19 सितम्बर को PSU बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक करेंगी। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां राजधानी भोपाल में एक साथ चिकन और दूध का आउटलेट खुलने के बाद विवाद हो गया। बीजेपी का ये कहना है कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। वहीं सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से आदिवासियों की आमदनी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए चिकन और दूध के आउटलेट एक साथ खोले जाने पर विवाद हो गया है। पशुपालन विभाग ने इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट भोपाल में शुरू किया है। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। हालांकि प्रोजेक्ट शिवराज सरकार के समय तैयार किया गया था, जो कुछ विधायकों के दबाव में लागू नहीं हो सका था। अब कांग्रेस सरकार ने इसे लागू कर दिया है। राज्य के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत शुद्ध सामग्री जनता को मुहैया कराई जा रही है। जनता को अंडे और दूध अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे और आदिवासियों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि एक साथ दूध और चिकन बेचने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। चिकन मटन कांग्रेस की आवश्यकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और भी व्यवसाय को वो बढ़ाए और अधिक से अधिक पार्लर खोले, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात पर आपत्ति है कि कांग्रेस जो है चिकन मटन के साथ साथ गाय का शुद्ध दूध बेचने का जो धंधा करने का कोशिश कर रही है, उससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और हिंदू धर्म की पवित्रता पर आंच आ रही है। गवर्नमेंट ने ये दुकान बनवा के मेरे को दी है, मैंने लीज पे ली है इसके लिए। और गवर्नमेंट जो दूध सप्लाई करती है हमारे को, जो इनका फुलमंदर फार्म वहाँ से दूध सप्लाई करती है, इसको हम सेल करते हैं। बाकी ये कड़कनाथ मुर्गा जो ये हमें अवेलेबल करवाते हैं। भोपाल के वैशाली नगर इलाके में पहला चिकन मिल्क पार्लर खोला गया है। खासकर कड़कनाथ मुर्गे का मीट जो झाबुआ और अलीराजपुर में ही उपलब्ध है, वो भी इस चिकन पार्लर में मिलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि अगर योजना सफल रही तो इसे प्रदेश के दूसरे जिलों में शुरू किया जाएगा।